ओके गाइस, क्या हाल चाल है आपके? आई होप कि एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है आप लोगों का। तो इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू सी हाउ वी कैन फाइंड अ गुड टाइप ऑफ डोमेन्स, गुड ट्रैफिक बेस्ड डोमेन्स, एक्सपायर डोमेन्स, ऑक्शन डोमेन्स। आप जैसे मर्जी, जिस नीच के ऊपर आप चाहो वैसे डोमेन्स आप निकाल सकते हो विदाउट यूजिंग एनी पेड टूल। किसी भी पेड टूल को यूज नहीं करना है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ निकलता है। आज का टॉपिक है हाउ टू फाइंड ट्रैफिक बेस्ड ऑक्शन डोमेन्स विदाउट यूजिंग एनी पेड टूल्स, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी एक्सपायर्ड डोमेन डॉट नेट। एक्सपायर्ड डोमेन डॉट नेट एक बहुत 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 जबरदस्त टूल है। अगर आप इसको सही से समझते हैं, इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको बहुत अच्छी चीजें इससे मिल सकती है। सो मेनी थिंग्स आर हियर, ओके? तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर एक्सप्लोर करो इसको। लेट्स चेक सम ऑफ द डोमेन्स। बहुत सारे फिल्टर्स है एक्चुअली पेड टूल्स लाइक स्पैमजिला। उसके अंदर क्या होता है, ऑक्शन डोमेन्स, गोडेडी है आपका, बहुत सारे हैं जहाँ पर आप कर सकते हो। गोडेडी है, नेमचीप है, सीटो डाइनर डॉट डैन, कैट मीन्स बहुत सारे मार्केट प्लेसेस हैं। आज मैं बस गोडेडी को देखूंगा और बाकी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे मर्जी आप चाहो कर सकते हो, ओके? गोडेडी ऑक्शन डोमेन्स के अंदर, अब देखो ऑक्शन डोमेन्स क्या होती है, एक्सपायर डोमेन्स क्या होती है, ये सारा बेसिक स्टफ, ये सारा कुछ मैंने अपने ओल्ड वीडियोस में बताया है आप लोगों को। तो अगेन मैं नहीं चाहूंगा मैं वही सारी चीजों को रिपीट करें। अगर किसी ने भी इसको वॉच नहीं किया तो वो हमारे चैनल में जाकर वो सारे वीडियोस को वॉच कर सकते हैं कि कैसा डोमेन अच्छा होता है, किस मैट्रिक्स को देखना चाहिए, कौन सा मैट्रिक्स को मीन्स क्या चीजें होती है, स्पैम स्कोर ऐसा वैसा जो भी है, एक कॉन्सेप्ट हमारा वो मैंने उसके अंदर बता दिया है, ठीक है? तो जितनी स्ट्रॉन्ग बैकलिंक्स होती है, जितने अच्छे रेफर जहाँ से रिसोर्स होते हैं, जहाँ से आपको लिंक्स मिल रही होती है, उसके अराउंड जो एंकर्स होते हैं, उसके अराउंड जो कंटेंट होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो आप लोगों को चेक करनी होती है। एंड वेबैक मशीन के अंदर आपको पास्ट का डेटा को अच्छे से एनालाइज करना होता है, ठीक है, बिफोर चूजिंग एनी डोमेन। अब कौन सा डोमेन और अच्छा हो सकता है? तो डेफिनेटली जो इंडेक्स है गूगल के अंदर और जिसके ऊपर ट्रैफिक ऑलरेडी आ रही है। अभी आप एक दूसरा एंगल भी यूज कर सकते हो, बहुत जबरदस्त एंगल। व्हाट वी यूज्ड टू डू, वी यूज्ड टू फाइंड द निचेस, वी यूज्ड टू फाइंड द कीवर्ड, सारा कुछ हम लोग करते हैं एंड देन जाकर हम अपने निच के अराउंड हम डोमेन्स को फाइंड करते हैं, ठीक है? इन यही सिनेरियो से वी यूज्ड टू मूव। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हो, गो टू फाइंड पावरफुल डोमेन्स, ओके, दैट हैज ऑलरेडी गेटिंग ट्रैफिक एंड कीवर्ड्स आर रैंकिंग। अब देखो ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है जिसको आप रिवर्स करके मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इट मींस कि आप पहले नीचेस फाइनल करते हो, फिर आप कीवर्ड फाइनल करते हो, फिर जाकर उसके अराउंड डोमेन्स को फाइंड करते हो। बट आप ऐसे भी तो कर सकते हो कि आपने पहले पावरफुल डोमेन्स को फाइंड किया जिसमें ऑलरेडी ट्रैफिक भी आ रही है, जिसमें ऑलरेडी कीवर्ड भी रैंक है, जिसमें ऑलरेडी पावरफुल बैकलिंक्स भी हैं, तो क्यों ना आप वैसे डोमेन्स को सेटअप करके उसके काम को और इंक्रीज मीन्स उसके काम को और स्केल कर सको। ये आपके टाइम को बहुत सेव करेगा, ये आपको टाइम को भी बहुत सेव करेगा और आप बहुत जल्दी अपने वेबसाइट को सेटअप कर सकते हो। और विद इन 1 और 2 वीक आप देखोगे उसके ऊपर जब आप काम करोगे, वो भी मैं प्रोसेस बता देता हूँ। चेक वॉट टाइप ऑफ, जब आप कंसोल से उसको अटैच करेंगे, चेक वॉट टाइप ऑफ कंटेंट गेटिंग गेटिंग इम्प्रेशन और क्लिक्स। तो किस टाइप्स के कंटेंट आपके वेबसाइट के ऊपर जब आप कंसोल में अटैच करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि किस टाइप के कंटेंट सबसे ज्यादा ट्रैफिक प्रोवाइड कर रही है ओवरऑल वेबसाइट के
वेबसाइट के लिए, ओवरऑल वेबसाइट में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत कुछ है। आपने एक डोमेन को सेटअप किया, ऑक्शन डोमेन को सेटअप किया, आपने सारा कीवर्ड्स को सेटअप किया, सारा कुछ आपने काम किया, ठीक है। अब आपने कंसोल को अटैच किया, फिर आपने क्या एनालाइज किया कि मुझे देखना है कि किस टाइप के कंटेंट अच्छा खासा ट्रैफिक प्रोवाइड कर रही है और इंप्रेशन प्रोवाइड कर रही है। तो आप क्या करेंगे, आपको अगर स्केल करना है तो आप उसी टॉपिक के रिलेटेड या फिर उस टाइप के जो कंटेंट है, उस पैटर्न्स के जो कंटेंट बनते हैं, उसके अराउंड जो कंटेंट बनते हैं, ठीक है, मीन्स जो कीवर्ड्स हैं, आपको अंदाजा मिल जाएगा कि क्या नेचर है, किस टाइप के वो कीवर्ड्स हैं। तो आप क्या करेंगे, आंख बंद करके आराम से किसी भी टूल्स को यूज करो। अगर आपने पहला मेरा नीच रिसर्च वगैरह ये सब अगर आपने वॉच किया है तो आपको पता होगा कि कैसे डिसाइड करते हैं कीवर्ड्स को, कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे लो कंपटीशन कीवर्ड्स को निकालते हैं, ये सारा कुछ आपको पता होगा, ठीक है। तो आप वो सारे लॉजिक्स को यूज करके आंख बंद करके 20 से 30 अच्छे कंटेंट को पब्लिश करेंगे इस डोमेन में, और विद इन 1 मंथ आप देखेंगे कि आपकी जो भी ट्रैफिक थी, आपकी जो भी रैंकिंग थी, जो भी थी इस डोमेन्स के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये वो कर सकते हैं जिसको स्क्रैच से काम नहीं करना होता, ये वो कर सकते हैं जिसको फ्लिपिंग में बहुत साइट सेटअप करनी होती, ये वो कर सकते हैं जिसको अर्निंग भी करनी है और जल्दी सेटअप करके अच्छा खासा सारा काम कर सको। तो ये लॉजिक मैंने आपको बताया कि आप कितने तरीके से इसको यूज कर सकते हो, ठीक है, एवरीथिंग लॉजिकल है। तो लेट्स फाइंड समथिंग फ्रॉम मार्केट प्लेस। तो यहाँ सारा गेम आपका है फिल्टर्स का, डिलीटेड डोमेन्स, मान लो .com डोमेन्स में जाता है, ये एक्सपायर्ड डोमेन्स है, यू नो दैट। अब मैं यहाँ पर फिल्टर्स को यूज करता हूँ। तो जितने भी फिल्टर्स हैं, आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए, ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, और ये जो भी फिल्टर्स यहाँ नजर आ रहे हैं, आपको अगर वॉच करेंगे तो आपको बहुत जबरदस्त इंसाइट मिलेगा, ठीक है, जिससे आप बहुत बेहतरीन डोमेन्स को निकाल सकते हो। यहाँ पर आप देखो 48 आवर्स के जो डोमेन्स ऐड हुई आपको वो चाहिए, तो हमेशा कोशिश करो फ्रेश डेटा जो इसके ऊपर ऐड हुए उसके वहां से आप जाकर ये करो निकालो, और जल्दी से जल्दी अगर आप काम करते हो, इसमें भी हर दिन अपडेट होती होती है डेटास, न्यू डेटास, तो आप अगर अच्छे से काम करेंगे, प्रॉपर टाइम के ऊपर काम करेंगे, तो आपको बहुत बेहतरीन डोमेन्स मिलने, क्योंकि यू नो मेनी क्रॉलर्स आर देयर, हर कोई फेच कर रहा होता है, हर कोई डोमेन्स के ऊपर जाकर चेक कर रहा होता है। तो आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है और जल्दी से काम करना है, ठीक है। तो आप यहाँ से अपनी सारी लिस्टिंग्स को चेक कर सकते, मैं बस अभी डेमो के लिए आपको समझा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि क्या अगर आपको चाहिए डोमेन्स, अगर आपको चाहिए टेक नीज, तो आप इट मीन्स कि डोमेन्स के ऊपर टेक होना चाहिए तो आप ऐसे लिख दो, अगर आप चाहते डोमेन्स के ऊपर डॉग होना चाहिए तो आप ऐसे यहाँ पर लिख दो, इट मीन्स डोमेन नेम्स अलाउ इट कंटेन्स, अगर आप स्टार्ट एंड जैसे मर्जी प्ले करो, ठीक है, लेकिन अभी मैं रैंडम डोमेन्स देख रहा हूं। ओके, तो देखो सारा कुछ है, हाइफन चाहिए नहीं चाहिए, नंबर्स चाहिए, कितना लेंथ होना चाहिए, सारा कुछ, एवरी सिंगल थिंग इज हियर। मैं इसको अभी कुछ नहीं करूंगा, ठीक है, अगर यहां पर आप चलो इसको भी अभी मैं कुछ नहीं करता, सारा डेटा कब ऐड हुआ है ये भी आप देख लो, जितना फ्रेश आप जा, तो जितना अच्छा आप फिल्टर को यूज करेंगे उतना अच्छा डेटा आपको मिलेगा। एंड डेट ये बड़ा जबरदस्त है, अगर आप ऑक्शन डोमेन निकालना चाहते हो तो कल कौन सा डोमेन एंड हो रहा है, आप वहां जा सकते हो, उसके ऊपर वो सारे डेटा को निकाल सकते हो। परसों कौन एंड हो रहा है, आप वो सारे डोमेन्स को देख सकते हो, ठीक है, ये सारा कुछ आप देख सकते हो। मैक्स प्राइस के ऊपर आप जा सकते हो, तो अपनी सेटिंग्स आप अपने अकॉर्डिंग करो। अब बाय नाउ बिड मेक ऑफर, ये गेम चेंजिंग ऑप्शंस हैं। अगर आपको ऐसे डोमेन्स चाहिए जिसको आप इंस्टेंटली चेक करके तुरंत पैसे देकर तुरंत अगर आप बाय करना चाहते हो इंस्टेंटली, तो आप बाय नाउ वाला ऑप्शन को चूज करेंगे। बिड वाला करेंगे तो इट मीन्स कि आप वहां पर टाइम होगा, आप बिड करेंगे, दूसरा फिर बिड करेंगे, फिर कोई और बिड करेगा, इस तरीके से जो सबसे हाईएस्ट बिडर होगा उसको वो डोमेन मिलेगी। मेक ऑफर में आप जाओ, वहां पर जाकर आप अपना ऑफर मेक ऑफर दो, उसके अकॉर्डिंग फिर वो डोमेन्स के आप उसको ले सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो आप यूज कर सकते हो, मैं अभी देखूंगा ऑप्शंस आपको दिखाऊंगा, अभी ये करके बिड्स वैल्यूएशंस ये सारा कुछ आप देख सकते हो, ठीक है। तो इन सब के ऊपर आप थोड़ा सा प्ले करो, आपको बहुत जबरदस्त डोमेन आप निकाल सकते हो। एडिशनली ये देखो, एडिशनली यहाँ पर कौन सा TLD चाहिए, मैं चाहता हूँ .com, मैं चाहता हूँ .net, मैं चाहता हूँ .org एंड .info, बस इतना ही मैं चाहता हूँ, ठीक है, रजिस्टर्ड एंड ऑल सच ऑल एंड ऑल।
नाउ कम टू एसईओ। एसईओ वाले फिल्टर्स के ऊपर ये देखो, गूगल एड्स के अकॉर्डिंग ये फिश करेगा, सर्च वॉल्यूम। आप अगर चाहते हो तो ये सब फिल्टर्स को यूज करो, ये कॉम्पिटिशन सीपीसी, ये सब आप चाहते हो तो आप करके देख सकते हो, यूज करने में और टेस्ट करने में कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। विकिपीडिया का अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर अगर आप वन करते हो तो वो डोमेन्स आएंगी जिसमें एटलीस्ट वन डोमेन्स विकिपीडिया का होगा ही होगा। मजिस्टिक का भी यहाँ पर कनेक्ट है, मजिस्टिक डाटा आप फ्रीली यूज कर सकते हो, कोई टूल नहीं है आपके पास, फिर भी ये सारा डेटा आप यूज कर सकते हो। एसएमरेस का डेटा यूज कर सकते हो, कितना जबरदस्त है। आईपी पॉप, आप को अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस आप यहाँ कर्सर रखो। अब देखो नंबर ऑफ बैकलिंक्स फ्रॉम डिफरेंट आईपी, ठीक है। और ये हमेशा याद रखिएगा कि जितना डिफरेंट आईपी से आपको लिंक्स मिलती है उतना अच्छा होता है, और क्वालिटी अगर अच्छा हो, इट मींस ज्यादा से ज्यादा अगर रेफरिंग डोमेन्स आपकी वेबसाइट के ऊपर है, किसी भी डोमेन्स के ऊपर है और अच्छे क्वालिटी के हैं, तो वो डोमेन्स आप वैसे डोमेन्स को आप लो। ऐसा ना हो कि भाई ओनली 3 to 4 रेफरिंग डोमेन्स हो, मीन्स 3 से 4 ही डिफरेंट डिफरेंट आईपी से बैकलिंक्स मिली, ऐसा नहीं। अगर 300 400 वाले अगर आपको मिल रहे हैं डोमेन्स जहाँ पे बहुत डिफरेंट 300 400 डिफरेंट आईपी डिफरेंट वेबसाइट से लिंक्स मिली है और क्वालिटी अच्छा है उनका, तो वो एक पावरफुल डोमेन्स होता है, अच्छा डोमेन्स होता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ लेना और इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आगे जाकर अपनी फाइंडिंग्स करना। अभी मैं बस आपको समझा रहा हूँ, बस यहाँ पर इन सबको मत करो, आप इतना रेफरेंस डोमेन्स को देख लेना। ये भी ये मेजिस्टिक के अकॉर्डिंग है और ये इसके अकॉर्डिंग है और ये आपका एसएमरस के अकॉर्डिंग है, सिंपल, ठीक है। एसएमरस रैंक, एसएमरस कीवर्ड, रैंक कीवर्ड, चलो मैं सिंपली करता हूँ। ट्रैफिक कीवर्ड्स भी अगर आप चाहते हो, इतने कीवर्ड्स रैंक होने चाहिए, ये भी आप कर सकते हो। ट्रैफिक होना चाहिए वेबसाइट में, तो मैं अभी ट्रैफिक बेस्ड वाले डोमेन्स ढूंढ रहा हूँ, तो मैं करता हूँ ट्रैफिक मिनिमम भाई 500 होने चाहिए, चलो 1000 आप कर लो, मिनिमम 1000 होने चाहिए। कॉस्ट से कोई मतलब कोई खास इफेक्टिव नहीं है। तो जो आपको निकालना है, जो आपका पर्पस है, अगर मैं ट्रैफिक यहाँ पर करता हूँ तो डेफिनेटली कुछ डोमेन्स वहां पर जो आएंगे वो उसके अंदर ट्रैफिक होगा, और ट्रैफिक होगा तो इट मीन्स कीवर्ड्स रैंकिंग के ऊपर होंगे। तो अगर मैंने इसको इंटर किया तो डेफिनेटली ये दो भी मेरा ये सेटिस्फाई हो रहा है, कीवर्ड्स रैंकिंग में होंगे, देन ओनली वहां पे ट्रैफिक आ रहा होगा, सिंपल इज दैट। इसलिए मैंने इसको इंटर नहीं किया, बस सिंपली इसको मैंने इंटर किया, और आप चाहो करो कोई इशू नहीं है। अब मजिस्टिक के ऊपर आओ, अगेन जबरदस्त साइटेशन फ्लो, ट्रस्ट फ्लो। अगर आप को कोई क्लाइंट ने बोला है कि भाई मिनिमम मेरा 5 सजेशन फ्लो होना चाहिए, मिनिमम मेरे इतना होना चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ सारा कुछ सेट कर सकते हैं। डोमेन पॉप ये देख लो आप, मजिस्टिक रेफरिंग डोमेन्स, रेफरिंग डोमेन्स, ये सारा कुछ, तो आप इसके अकॉर्डिंग प्ले करो, जितना मर्जी करना चाहते हो आप करो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ ये सारा कुछ आप देख लेना। एजुकेशनल बैकलिंक्स चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंग वन इंटर कर दो, कितने चाहिए वो इंटर कर दो, ये सारा कुछ। अभी मैं बस आपको सेटिंग्स एंड सारा कुछ मैं आपको समझा रहा हूँ, मैंने बस सिंपल सा अभी रखा है, कुछ भी नहीं किया। नाउ लेट्स सी कि क्या कोई ऑप्शन डोमेन्स के अंदर इस सेटिंग्स के ऊपर कुछ मिल पाता है। ओके, इस सेटिंग्स के अंदर तो मुझे नहीं मिली, तो मैं अगर इसको विकिपीडिया को हटाता हूं और मैं इसको मिनिमम 500 करता हूं तो देखता हूं कि कैसे डोमेन्स है। इसमें भी नहीं मिल रहा है, क्या बात है, लेट मी चेक अगेन। इंग्लिश इंग्लिश, ओके ओके, फिल्टर्स आर परफेक्टली फाइन। नो डोमेन इज कमिंग, लेट मी चेक वंस। आप यहां से भी जाकर काफी चीजें कर सकते हैं, गोडेडी ट्रैफिक बेस्ड डोमेन्स एंड यू कैन सी द ट्रैफिक, बट आई वांट सम सेटिंग्स टू बी डन।
ओके, अब मैंने जो भी सेटिंग्स वहाँ किया है उसके अकॉर्डिंग ये है, ठीक है। अभी मैंने कुछ नहीं किया है, बस सिंपल सा मैंने अभी यहाँ पर मिनिमम 1000 किया है और नथिंग एल्स। तो जस्ट इसके अकॉर्डिंग मैंने अभी जो भी फिल्टर्स किया है आप देख सकते हो ये। अगर चलो मैं देखता हूँ विकिपीडिया का कुछ लिंक्स अगर मैं डालू वन, तो देर इज वन डोमेन, ठीक है, देर इज वन डोमेन जिसमें कि विकिपीडिया से भी लिंक्स मिले हैं। तो मैं सारा कुछ आपको बस चेक करके और सारा कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से आराम से चेक कर सको। चलो, एंड 8 डेज लेफ्ट हैं, आप वहाँ जाकर टाइमिंग भी मैं आपको दिखा दूंगा कि अगर मैं कल वाला डोमेन चाहता हूँ तो वो कैसे निकाल सकते हैं आप। ओके गाइस, यू कैन सी दिस 34 DR, वेरी नाइस, 196 कीवर्ड्स। एंड अगर मैं रेफरिंग डोमेन्स के ऊपर जाता हूँ तो विकिपीडिया से भी लिंक्स होंगे अच्छे खासे। आप देखो, ये मैं आपको बेस बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। आप जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे उतना पावरफुल डोमेन्स आप निकाल सकते हो यहाँ से। एंड गो विथ ऑक्शन डोमेन एंड ट्रैफिक बेस्ड डोमेन, क्योंकि ऑलरेडी रैंकिंग है इसमें, स्पैन आपको बहुत कम मीन्स बहुत क्वालिटी के डोमेन्स मिलेंगे और फालतू वाले डोमेन्स इसमें नहीं मिलेंगे, ठीक है, मैक्सिमम चांसेस। तो विकिपीडिया के लिंक्स तो होने चाहिए जैसे कि मैंने वहां पर बोला था। ओके, नो इश्यू, फिर भी बहुत अच्छे लिंक्स हैं इसमें, आप देख सकते हो बहुत अच्छे अच्छे लिंक्स हैं, ठीक है। लिंक्स क्वालिटी, और लिंक्स क्वालिटी के लिए हमेशा आप क्या करोगे, रिसोर्स पेज को चेक करोगे, रिसोर्स पेज को चेक करोगे, ये पेज को ओपन करके चेक करेंगे कि कहाँ से लिंक्स आ रहा है, कैसा लिंक्स आ रहा है। अब मैं इस वेबसाइट का नेचर को देखना अगर चाहता हूँ विदाउट ओपनिंग एनी सिंगल थिंग, तो मैं एंकर से बहुत कुछ समझ सकता हूँ कि इसका नेचर किस टाइप का ये है। देखो, ये जो एंकर होता है इससे बहुत कुछ समझा जाता है, ठीक है। अपकमिंग इवेंट्स बहुत, वाओ, फूड ट्रक फ्राइडे, ये बहुत अच्छे डोमेन है। अब देखो यहां से भी, अब मैंने आपको क्या बताया डोमेन लेकर, ओके, अब इसके अकॉर्डिंग मैं अगर सेटअप करूंगा तो डेफिनेटली मुझे पता चलेगा फिर वेबपैक में इसका कंटेंट वगैरह, कीवर्ड्स वगैरह, काफी कुछ चीजें आप देख सकते हो, कौन कौन से ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं ये आप देख सकते हो। अब इसके अकॉर्डिंग आप कंटेंट पब्लिश करेंगे, इसके अकॉर्डिंग आप वेबसाइट को सेटअप करेंगे, तो डेफिनेटली टॉपिकल अथॉरिटी इंक्रीज होगी। अब देखो, ठीक है, पोजिशन नंबर वन, ये देखो 1K, ओके। अब आप क्या करेंगे, बेल बैंक पार्क के को इंटर करो, किसी भी टूल के ऊपर जाकर इंटर करो, और उसी के अराउंड जो भी अगर आपको और डोमेन्स मिल मीन सॉरी और कीवर्ड्स मिलते हैं आप उसको कवर करो। यहां से मुझे ये पता चल गया, कंसोल में भी जाने जा सक कंसोल में जाकर एक्चुअली आपको पता चलता है कि आपकी वेबसाइट में पूरी की पूरी नेचर क्या है और किस तरीके से उसको अप करना है, ठीक है। ये सारा लॉजिक्स मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छे से, और यहां से आपको ऑलरेडी मालूम चल रहा है कि ये सारा कुछ सिनेरियो क्या है। इट मींस कि अगर आप इसको समझते हो, ये पेरेंट टॉपिक वेबसाइट का कौन सा है, चाहे इसमें कितने भी डिफरेंट पैटर्न्स, डिफरेंट टॉपिक्स हो, डिफरेंट नीचेस हो, मल्टी नीचे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आपको फाइंड करना है, ठीक है। वो ऐसे नीचेस को फाइंड करना है उस डोमेन के अंदर, और डेफिनेटली आप देख सकते हो ये डोमेन के ऊपर ही है, और ये देख सकते हो, ठीक है, बेल बैंक पार्क, बेल बैंक पार्क EMD डोमेन्स के ऊपर ही है, तो बहुत अच्छा डोमेन है। मैं अगर आपको बताऊं तो CPC भी अच्छा मिलेगा इसमें, यूनाइटेड स्टेट का ट्रैफिक भी है, अच्छा टॉपिक भी है। आंख बंद करके इसके ऊपर अगर कोई अच्छे से काम कर ले तो भाई उसका एक अच्छा वेबसाइट है तैयार। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ विथ लाइव एवरी सिंगल थिंग। आप देखो ये डोमेन कितना जबरदस्त है, ओके। और अभी इसकी बिड देख लो आप, और 8 दिन अगर आपको चाहो तो, ये रैंक डोमेन है। अब आपको क्या चाहिए, रैंक्ड वेबसाइट है, रैंक्ड डोमेन है, नंबर वन पोजीशन के ऊपर कीवर्ड्स हैं अच्छे खासे, मींस इसमें क्या करना है कैसे करना है आप लॉजिक लगा लो। कि आप वैसे डोमेन्स के ऊपर जाएंगे जिसके की डेटा भी इंडेक्स नहीं होती है गूगल के ऊपर, आप ऐसे डोमेन्स के ऊपर जाएंगे जिसके ऊपर की ट्रैफिक भी नहीं है, कुछ नहीं है, या फिर आप ऐसे डोमेन्स के ऊपर जाएंगे जिसको बस सेटअप करना होता है आपको, जिसको बस सेटअप करना है और फिर कंटेंट ऑप्टिमाइज करना है और उसके ऊपर कंटेंट को पब्लिश करना है, एंड दैट्स इट, दैट्स इट, ओके।
अब मैं मजिस्टिक के ऊपर चाहता हूं, मैं कम से कम मैं चाहता हूं कि 100 बैकलिंक्स वाले डोमेन हो। लेट्स चेक फिल्टर्स लगाने में क्या इश्यू है, ये देखो, ठीक है, लेट्स चेक दिस। अच्छा इसका बहुत प्राइस है, चलो इसको देखते हैं ये कौन सा डोमेन। अभी तो मैंने गोडेडी का देखा है, अभी आप नेमचीप जाओ, अभी इसको जाओ, बहुत सारा है, आप उसको जाकर चेक करो। अब मैंने मिनिमम 50 रेफरिंग डोमेन्स को इंटर किया था, नाउ लेट्स चेक। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये कितना पावरफुल स्टफ है। ओके अब आप देखो, इसने भी वही काम किया, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू सम ईएमडी डोमेन्स, ईएमडी के अराउंड कोई रेस्टोरेंट होगा, आई डोंट नो, उसी के नाम पे है और उसके बारे में ये काम कर रहा है। आप देखो, और ऑलरेडी ये रैंक्ड डोमेन है, ठीक है। अब मैंने ऐसा डोमेन आपके सामने निकाला है जिसकी प्राइस अभी 8 days है और जिसकी प्राइस अभी ये, और मैं आपको बताता हूं, ऐसा नहीं कि हर डोमेन की प्राइस बहुत हाई हो जाती है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से काम करेंगे, हर दिन थोड़ा सा प्रॉपर करेंगे, तो आप सस्ते में अच्छे डोमेन्स निकाल सकते हैं, सस्ते में अच्छे डोमेन्स को परचेज कर सकते हैं। अब आप देख लो जो भी चीजें आपके सामने हैं, ये भी देख लो, डोमेन उठाना है, सेटअप करना है, आपका काम डन। विद इन 1 month ऑफ पीरियड ऑफ टाइम आप पैसे बनाना स्टार्ट कर सकते हो, विद इन 2 month पीरियड ऑफ टाइम उस वेबसाइट को आप अच्छे से स्केल करके सेल कर सकते हो, ये पावर होती है, ठीक है। अब ये देख सकते हैं आप, अगर मैं इसको ओपन करूं, डोमेन अगर लाइव होगा तो आप सिंपल सर, इसमें लाइव नहीं है, चलो बहुत टाइम आप देखोगे डोमेन लाइव होता है, लेकिन इसमें वो सारा कंटेंट, वो सारा कुछ बैकअप इस तरीके से मिलता नहीं है, तो आप सारा कुछ रिस्टोर कर लीजिएगा, जो URLs है, जिस तरीके का प्रॉपर है, वेब एक्सेस सब कुछ, और वैसे ही सेटअप करके उसके ऊपर जाकर स्केल कर लीजिएगा, ठीक है, ये सब तरीका होता है। तो अभी मैंने जो सेटिंग्स लगाए थे उसके ऊपर है, चलो अब मैं उस सेटिंग्स को हटा देता हूँ मिनिमम मजिस्टिक से, Let it be. ठीक है, बाय नाउ डोमेन्स, ये बाय नाउ डोमेन्स है, बाय एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स, इंस्टेंटली जाकर आप परचेस कर सकते हो ये डोमेन को, अगर ये अभी अच्छा हुआ तो। देखो ये बहुत ज्यादा प्राइस है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे डोमेन्स जो होते हैं आप इंस्टेंटली एड टू कार्ट करके परचेस कर सकते हो, दैट इज नोन एज बाय नाउ डोमेन्स। ये भी बहुत प्राइस है, तो आप अपना प्राइस भी सेट कर लो, कोई इश्यू नहीं, आप फिल्टर्स लगा लो। नेमचीप के ऊपर भी एक है 15, और ये बाय नाउ, लेट मी चेक, लाइव 94 टूडे, बाय नाउ डॉट कॉम डोमेन, अच्छा फिल्टर्स वगैरह यूज कर लीजिएगा, प्राइस चेंज हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा जी, लेट मी चेक दिस डोमेन, से गेस्ट पोस्टिंग का काम कर सकते हो आप, आराम से सारा कुछ कर सकते हो आप इस डोमेन के साथ, ये नाम जिस तरीके से, ये देखो आप $15, 8 days left, let's go to filter, end date किया जाए, ठीक है, मैक्सिमम प्राइस चलो 1000, लिस्टिंग टाइप चलो बाय नाउ, लेट्स फाइंड आउट क्या इश्यू है, आपको फिल्टर्स लगाने में क्या इश्यू है, फिल्टर्स लगाओ। लेट इट बी, इस फिल्टर के ऊपर तो
यहाँ तो शो हो रही है एंड डेट, ठीक है सारा कुछ ठीक है, ठीक है नो प्रॉब्लम। सेलेक्ट विच इंग्लिश लेट्स फाइंड कि कैसे डोमेन्स हैं। मैक्सिमम प्राइस मैंने कर दिया 1000 और ये सारे हैं जो देख सकते हो आप 3 डेज के अंदर ये सारे एक्सपायर होने वाले हैं। ये सेटिंग्स का मैं आपको बता रहा था, ट्रैफिक इसमें मैंने ऐड नहीं किया है, तो लेट्स ऐड ट्रैफिक। आपको प्ले करना होगा, देर इज नो एनी अदर वे, ठीक है। मैंने मिनिमम 500 कर दिया, तो इस बेस के ऊपर यहाँ पर नहीं है, सिंपल सी बात है, इस फिल्टर्स के ऊपर यहाँ पर नहीं है। आप फिल्टर्स चेंज करो, आप वहाँ पर जाकर डेट को एक्सटेंड करो, आपको डोमेन्स मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं। अब मैंने बाय नाउ कर दिया एंड ट्रैफिक बेस्ड और मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, तो लेट्स चेक। ओके देयर इज टू डोमेन, यू कैन सी दिस, इसमें कुछ ना कुछ ट्रैफिक है एंड प्राइस इतना है और ये एंड टाइम इज, अच्छा मैंने एंड टाइम को हटा दिया था अकॉर्डिंग टू प्राइस, राइट। आई ओनली वॉन्ट सम क्वालिटी डोमेन्स, तो एंड ट्रैफिक वाले डोमेन्स, लेट इट बी 1 वीक अगर तो बिडिंग हो रही है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं बस इस फिल्टर को देखता हूँ। आप जैसे मर्जी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी मैं इतना कम टाइम के ऊपर तो सारा मेट्रिक्स सारा कुछ नहीं दिखा सकता हूँ, बट आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू एन रफ आइडिया। ये देख लो आप, ये भी आई थिंक कोई होगा रेस्टोरेंट रिसोर्ट वगैरह कुछ ना कुछ, ये देख लो आप, ये बहुत अच्छा है। ग्रिल, आई थिंक ग्रिल वाले अमेजन नीच साइट के लिए ये डोमेन ठीक ठाक है। अब ये किस कीवर्ड के ऊपर रहेंगे, 6 डेज, वेरी नाइस। किस कीवर्ड्स के ऊपर ये रैंक है, ये काफी अच्छा डोमेन है ग्रिल नीच के लिए। तो ठीक है, नॉट दैट स्पैम बट ठीक ठाक है, ओके। आप इससे भी बेटर ढूंढो, अगर ढूंढना है तो इससे भी बेटर ढूंढो। यू नीड टू फाइंड ऑल द प्लेसेस लाइक गोडेडी, लाइक डिफरेंट सारे जगह के ऊपर आप जाकर देखो तो आपको एक अच्छा डोमेन मिल जाएगा। ओके आई थिंक डेन के ऊपर ये सेटिंग्स, या देर इज टू फिल्टर बट देर इज नो एनी ट्रैफिक, आई थिंक डेन के ऊपर ये नहीं है। चलो मैं इसके मोस्ट एक्टिव ट्रैफिक बेस्ड डोमेन्स के ऊपर आता हूँ, यहाँ इतना ही है। बाई नाउ के ऊपर आता हूँ, ओके दिस ऑल आर अबाउट बाई नाउ बट प्राइस इज टू हाई। ओके ओके यहाँ पे तो ट्रैफिक का ये है भी नहीं, आई थिंक नेमचीप के अंदर ये नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो इसमें ये ट्रैफिक वाला कॉलम है और उसके ऊपर वो नहीं है। Yes, traffic is okay.
ट्रैफिक आई है। गुड, इट इज गुड। दिस आर नंबर ऑफ रिलेटेड डोमेन्स। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आप जितना ज़्यादा इसके ऊपर आप जाओगे, फाइंड करेंगे, आपको उतना ज़्यादा आइडिया मिलेगा और आप अच्छे डोमेन्स फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग विथ प्रॉपर कॉन्सेप्ट। फाइंडिंग मीन्स प्रॉपर, आप जो भी यूज करो प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करके आप इन सारे में। मैंने तो अभी कुछ भी नहीं ज़्यादा किया है। मेनी डिफरेंस यहाँ पर आप देख सकते हो, बहुत सारे डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अगर आप इन सारे चीज़ों के ऊपर जाकर इंटर करेंगे। डेटा चेंज होगा, डोमेन्स का क्वालिटी चेंज होगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा अगर आप जाओगे तो ऑलरेडी यहाँ पर सारा कुछ लिखा है, आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। ये उनको बता रहा हूँ जो बिल्कुल नए हैं इस प्लेटफॉर्म के लिए, तो वहाँ से आप अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं। और डोमेन्स भी अगर आपको निकालने हैं, दैट इज एक्सपायर्ड डोमेन्स, तो ये या आप यहाँ से कर सकते हैं। रिलेटेड डोमेन्स, रिलेटेड डॉट नेट डोमेन, सर इसमें आपको ये करना होगा, ट्रैफिक वाला सिनेरियो को हटाना होगा क्योंकि ऑलरेडी एक्सपायर्ड डोमेन्स के ऊपर ट्रैफिक बेस्ड नहीं होती है। तो आप यहाँ से और सारा कुछ मैट्रिक्स लगा सकते हो, जैसे कि विकीपीडिया मैंने लगाया। ओके, इसको मैंने 50 कर दिया। नाउ लेट्स चेक एक्सपायर्ड डोमेन्स। तो ये देखो, दिस आर एक्सपायर्ड डोमेन्स, दिस इज अवेलेबल। लेट्स चेक दिस, व्हाट इज द क्वालिटी। ये सारा एक्सपायर्ड डोमेन्स है। फ्यूचर एजुकेशन, दिस इज रजिस्टर्ड, लेकिन चलो देखते हैं, ठीक है। दिस इज अबाउट द एक्सपायर्ड डोमेन्स और वो ऑक्शन डोमेन्स का था। यहां से भी आप अच्छे क्वालिटी के एक्सपायर डोमेन्स निकाल सकते हो, अपने नीच के अराउंड निकाल सकते हो। ये भी देखो, ये जो डोमेन थी इसमें भी कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक कीवर्ड्स आ रहे थे जो अभी लास्ट मैंने आपको दिखाया था। मैंने वहां पर सिलेक्ट किया था विकीपीडिया लिंक्स और मिनिमम 50 लिंक्स। तो आप ये देखो कि मुझे रेफरिंग डोमेन्स के अकॉर्डिंग तो मिल चुका है, और मुझे लेट्स चेक कि कोई विकीपीडिया लिंक्स है या नहीं। ओ शिट। तो गाइस, इट इज ऑल फॉर टुडे। आप जो प्रोसेस मैंने आपको समझाया आप चेक करो। यहाँ पे जो मैंने फिल्टर्स लगाए उसमें विकिपीडिया था, तो आप जाकर अगर चेक करेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। एक्सपायर्ड डोमेन्स के ऊपर भी आपको विकिपीडिया वाले लिंक्स वाले डोमेन्स मिल जाएंगे। डॉट नेट आप चेक करो, डॉट ओ आर जी चेक करो, डॉट इन्फो चेक करो, जो मर्जी आप चाहो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। आप नीच रेलिवेंट चाहते हो, आप नीच रेलिवेंट फाइंड आउट कर सकते हो। मैं चाहता हूँ डोमेन्स रिलेटेड टू डॉग, तो लेट्स फाइंड। ये सारा गेम है आपका फिल्टर्स का। फिल्टर्स को अगर यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा, ये देखो, ठीक है। ड्रॉप ये देख सकते हैं आप, यस्टरडे अवेलेबल। आप चेक करो, थोड़े से बैकलिंक वाला सिनेरियो आप लगा लो, मीन्स थोड़ा सा बैकलिंक वाला आप ऐड कर लो। तो बैकलिंक विकिपीडिया वाला चाहते हैं तो वो आप कर लो, कोई इश्यू नहीं है। Yes. जो आप कर रहे हो तो उसको चेंज करके आप चीजें देख सकते हैं। यू कैन सी हियर, दिस आर द डोमेन्स अवेलेबल 4 डेज पहले। तो इंस्टेंटली जो रिसेंटली, आप इसलिए मैं बोलता हूँ कि रिसेंटली जो एड्स होती हैं और उसके ऊपर अगर आप चेक करते हो तो आपको अच्छे डोमेन्स मिल जाएंगे। अभी भी तो टूल नहीं है, तो मैं आपको दिखाता कि ये कितने बैकलिंक्स हैं, क्या है, ठीक है। आप इसको चेक कर लीजिएगा, किसी टूल से अच्छे से चेक कर लीजिए। मोज से चेक कर सकते हो, वेबैक चेक कर सकते हो, और क्या क्या चीज़ें देखनी होती है। अगर ये अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मेरे ओल्ड वीडियोज़ को आप वॉच करो, उसके अंदर भी मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को बताया है, ठीक है।
तो गाइज बस इतना ही था इस वीडियो में, मुझे यही सारा कुछ आपको बताना था कि ये एक सिनेरियो और इसका आप बेहतरीन तरीके से यूज कैसे कर सकते हो। कोशिश करेंगे और प्रॉपर टाइप से अगर आप एफर्ट हर दिन लगाएंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत बेहतरीन अच्छे डोमेन्स मिल जाएंगे, और उस डोमेन को आप परचेज करके आप जितना भी अभी इस फ्रेश डोमेन के साथ जो आप काम करते हो तो उसके ऊपर जितना आपको टाइम लगेगा अथॉरिटी बिल्ड करने में, जितना टाइम लगेगा सारा कुछ करने में, उतना टाइम के अंदर आप एक अच्छा खासा साइट सेटअप करके उससे पैसे बना रहे होंगे। ठीक है, मैंने एग्जैक्टली कुछ आपको वेबसाइट्स दिखाकर कंप्लीट रोड मैप भी आपको बताया, आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से आप वो सारा कुछ कर सकते हो। तो गाइज अगर इस ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो भाई शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको भी कुछ फ़ायदा मिले, और सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा, क्योंकि आई कैन सी दैट आने वाले टाइम के ऊपर मैंने जैसे बताया भी है कि एक कंप्लीट में बिगनर के लिए, एक बिगनर का क्यों बना रहा हूँ मैं, लेट मी टेल यू, कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि मैं अपने जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके ऊपर वो सारा कुछ मैं नहीं कवर करवा पाता हूँ, कि जो एक सेटअप होता है, इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीज़ें होती है, मैं वो स्किप इसलिए करता हूँ क्योंकि लोगों को पता होता है, बट वो इतना इम्पॉर्टेंट है, वो इतना इंपॉर्टेंट है, क्रॉल सिस्टम को, क्रॉलिंग सिस्टम को समझना, क्रॉल बजट को समझना और बहुत सारी चीजें हैं उसको समझना। ठीक है, तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। अगर आप कुछ एडवांस चीजें सीखना चाहते हैं तो उससे पहले सारा बेसिक्स को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे आने वाले टाइम के ऊपर मैं एक कंप्लीट बना रहा हूँ, ठीक है, और बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एवरीवन।